अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, हमेशा की तरह से इस इतवार भी मोरखा 5 फरवरी 2023 हम लोगों ने अपना मेडिकल कैंप हवेली दिलदार शाह चक नंबर 18 तहसील चूनिया ज़िला कसूर में मुनक्कद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा 8वां साल है कि हम मुसलसल ये हर इतवार को मेडिकल कैंप कर रहे हैं और इसमें ना सिर्फ हमारा जो गांव है चक 18 यहाँ से मरीज़ आ रहे हैं बल्कि इर्द गिर्द के जो करीबी गांव हैं जैसे कन्या है चक 17 है चक 15 है चक 14 है ना सिर्फ वहाँ से आते हैं बल्कि इर्द गिर्द के दीगर भी जो कस्बे हैं पूरे ज़िले में से अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आते हैं और अब ये है कि ज़िले के अलावा दूसरे जो अजला हैं उनमें से भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मरीज आ रहे हैं और हम बिला तख़सीस तमाम लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं। इस इतवार का की ख़ास बात यह थी कि मैं मेरे साथ दूसरे डॉक्टर जो थे वो इस्तीफा नहीं आ सके, सिर्फ आँखों वाले आए और मैं था अकेला, या फिर ग्रीन स्टार प्रोग्राम जो है वो उनकी तरफ से जो टीवी के लिए उनके जो ऑफिसर हैं आसिफ साहब वो तशरीफ़ लाए तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आए और हम लोग नॉर्मली 2-2.5 बजे 3 बजे तक फारिग हो जाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि हमें तकरीबन 4:30 बज गए ये तमाम पेशेंट जो है उनको देखते देखते। जनरल मरीज़ों की तादाद 379 थी जबकि जल्दी अमराज के 38 मरीज हमारे पास आए, आँखों के 85 मरीज आए जिनको के इनका मायना भी हुआ और जिनको एनकों के नंबर शंबर चेक करने के बाद उनको मुफ्त एनकें भी दी गई और कुछ अफराद ऐसे थे जिनका मोती का ऑपरेशन ड्यू था तो उनका नाम भी लिस्ट में डाल लिया गया और इंशाल्लाह वो ये जो कमिंग 9 है उस पर हमारा मंथली जो कैंप है आई ऑपरेशंस का कैटेट के उसमें वो जो लोग अब लिस्ट में आ गए हम सब के इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएंगे और इसके अलावा हमने 9 अल्ट्रासाउंड भी की और दीगर मरीज भी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारों को खुशअसलूबी से देखा गया और सबको मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इस इतवार को हमारे लोकल मरीज़ों के अलावा हमारे पास चूनिया पत्तों की कसूर शहर इलाहाबाद खुडिया हलो की और इसके अलावा उकाड़ा साहिबाल लाहौर और शेखपुरा से भी काफ़ी सारी मरीज़ों ने शिरकत की। होता ये है कि जब भी कोई हमारे पेशेंट जो हैं उनका कोई अजीज़ मेहमान आता है तो उसको वो ले आते हैं या ये कि वो फ़ोन करके बुला लेते हैं कि जी आप यहाँ आए, यहाँ पे अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छी तरह मायना होता है और अद्वियात भी फ्री मिलती हैं। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दीगर शहरों से हमारे पास पेशेंट आते हैं बल्कि लोकल हमारे मरीज़ कम होते हैं, ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास दीगर इलाकों से आते हैं और हम सब को इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ बग़ैर किसी इम्तियाज़ के ना हम इलाका देखते हैं ना ज़ात पात देखते हैं ना फ़िरका देखते हैं ना मज़हब देखते हैं ना रंग व नस्ल, तमाम चीज़ों
को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, हर एक को एक इंसान समझते हैं जो हमारे पास अपनी बीमारी की वजह से आया है, और उसको हम नहायत इज़्ज़त और एहतराम से उसका मायना भी करते हैं, और उसको जो भी हम सहूलियात फराहम कर सकें वो बग़ैर किसी लालच के करते हैं। और हमारी खिदमात जो हैं वो उनके एवज हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए मग़फ़रत की दुआओं का इल्तिबास करते हैं, बस यही हमारी कीमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंप में आ रहे हैं, और बस हमारी यही इल्तिजा होती है कि हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ की जाए, अल्लाह में हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और ये कि हमें इज़्ज़त और शोहरत तो अल्लाह ख़ुद ही दे देता है, उसकी कोई भूख नहीं है, ना ही कोई पैसों का लालच है, बस यही लालच है कि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए।